लख अपियो खर रिहा समाए उपाय न कीती पाया जाए। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी फरमा रहे ने कि प्रभु परमात्मा अलख है। अलख दे अर्थ हुंदे ने अदृष्ट। एक शब्द है दृष्ट, एक है अदृष्ट। साडी लैंग्वेज, साडी पंजाबी मां बोली, साडी शब्दावली, इहदे अंदर कुछ गल्लां ऐसियां ने के जिस शब्द दे अगे आड़ा अगेतर लग जावे ते उस दे अर्थ जेड़े ने ओ बदल जांदे ने, ओ बिल्कुल जेड़े ने उन्हां दे अर्थ बदल जांदे ने। सतगुरु गुरदेव महाराज जी कह रहे ने के ओ प्रभु परमात्मा साडियां अखां दा विशा नहीं है। कहण तों भाव इहदा मतलब इह नहीं कढ़ना के परमात्मा है नहीं, परमात्मा ते है पर ओ इन्ना नंगियां अखां दे नाल वेख्या नहीं जा सकदा। जिवें प्रकाश ते है, जिवें हवा ते है, जिवें धुन ते है, पर इन्ना चीजां नूं वेख्या नहीं जा सकदा। इसे ढंग दे नाल मेरे हजूर आखदे ने परमात्मा ते है पर ओ अदृष्ट है, उस नूं महसूस कीता जा सकदा है। महसूस करके ही ओदे नाल सांझ पाई जा सकती है। मेरे सतगुरु गुरदेव पातशाह जी ने आख्या कि उस परमात्मा दा किसे ने भेद नहीं पाया, किसे ने भेद नहीं पाया। पढ़ो साहब जी दी बाणी, अमृतमय बाणी, अमृत दे दाते धन गुरु नानक देव महाराज जी ने साडे उते किड्डी वड्डी कृपा कीती है। सतगुरु गुरदेव पातशाह जी जपजी साहब बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दा सारी बाणी दा तत सार है। ते मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी आखदे ने कि इस दुनिया दे अंदर परमात्मा वाहिगुरु जी तेरा अंत लभण दे लई पता नहीं किन्ने क मनुख जेडे ने यतन कर रहे ने, किन्निया क मनुखां दा जोर लग्या होया। पर हकीकत यह है, मेरे दातार गुरदेव पातशाह जी ने आख्या कि उस मालक वाहिगुरु जी का अंत पाया ही नहीं जा सकता। पढ़ो सतगुरु गुरदेव पातशाह जी की बाणी जिदे विच सतगुरु जी आखते ने कि अंत न सिफती कहण न अंत। उस मालक वाहिगुरु जी की इस बेअंतता का कदी अंत पाया ही नहीं जा सकता। मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी आखते ने के ता का अंत ना जाने कोई, उस मालक वाहिगुरु जी का अंत जानता ही कोई नहीं, क्योंकि जेड़ा जानन वाला है वह हमेशा वड्डा हो जांदा है। मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी फरमा रहे ने कि परमात्मा का भेद किसे ने नहीं पाया, किसे ने नहीं पाया। कोई नहीं बयान करके दस सकता कि परमात्मा अकाल पुरख का अंत किथे हुंदा है। इत्थे भेद का अर्थ वह नहीं है जो असी समझते हैं। इत्थे भेद के अर्थ ने कि मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी का अंत पा लेना सानू समझ लग जानी कि नहीं परमात्मा एदां दा नहीं एदां दा है। क्योंकि हर मनुख की जिहड़ी दृष्टि है ना वह दृष्टि उहदी अपनी है, हर बंदे की सोच जिहड़ी वह अपनी है। एक कवि ने बड़े खूबसूरत बोल आखे ने, वह आखदा जो मैं बोल रहा हाँ, जो मैं कह रहा हाँ, मैं उहदा जुम्मेवार हाँ, मैं उहदा जुम्मेवार हाँ। पर उस गल नूं तुसी किवें समझदे हो, इस गल दा मैं जुम्मेवार नहीं गा। बाबा नानक जी यही गल कह रहे ने कि हर मनुख दा अपना व्यू है, हर मनुख दी अपनी आई साइड है, हर बंदा अपने नजरिए दे नाल वेखदा है। पर सच एक है, हकीकत एक है गुरमुख प्यारियो कि उस परमात्मा दा अज तक किसी ने भेद नहीं पाया। जिथे साइंस जाके खत्म हो जाती है, जिथे साइंस अपने हाथ खड़े कर देती है, मेरे रब दे घर दी गल उथों आरंभ हुंदी है, उथों आरंभ तक हुंदी है। साहिब गुरदेव पातशाह जी फरमाउंदे ने, दतार जी फरमा रहे ने कि वह परमात्मा है ते अभेद है ते अदृष्ट, पर सच जानियो समाया सारियां दे विच है। कट कट में हर जो बसै, हर हिरदे दे अंदर वसदा है,
सब मैं जोत जोत है सोए। भगत नामदेव जी आखते ने सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। के सारियां दे विच मेरा गोविंद अकाल पुरख परमात्मा वसदा है, अकाल पुरख जी दी काया वसदी है, वाहिगुरु जी उहदी ताकत वसदी है। साहिब गुरदेव पातशाह जी दे बचन कह रहे ने कि ओ केड़ी थां है जिथे मेरा मालक वसदा नहीं। उपाय ना कीती पाया जाए, पर जे कर कोई आखे कि असीं परमात्मा नूं कोई उपा दे नाल, कोई ढंग दे नाल, कोई तरीके दे नाल असीं उस परमात्मा नूं प्राप्त कर लवांगे, नहीं कर सकदा। अपने मन दे अंदरों जिहड़े गुरु दे चरणां दे विच सजदे करन वाले ने, जिहड़े गुरु दी बाणी नूं पढ़न वाले ने, कम से कम गुरु दी बाणी दे उत्ते भरोसा रख के तुरिया करिए, कम से कम गुरु दे अते अकीदा रख के तुरिया करिए। मेरे हजूर दी बाणी आखदी है कि उस मालक वाहिगुरु जी नूं किते भी उद्दम उपराले दे नाल, भाव केड़े उद्दम उपराले, केड़े ढंग तरीके जिहड़े ने, सतगुरु जी आखदे ने कि रब नहीं मिलदा जिहड़े चतराई दे नाल अपनाए हुए ने। बड़े ध्यान नाल सुणियो गुरमुख प्यारियो, असीं ज़हन दे विच सोचदे आं कि शायद फलाणे थां चले जाइए ते हो सकदा है कि सानूं उत्थों रिलीफ मिल जाए, राहत मिल जाए, सानूं साडे अंदर दी भटकना मिट जाए, खत्म हो जाए, पर साडे अंदर दी भटकना मुकण दी बजाए वह भटकना वध जांदी है, खत्म हो जांदी है। क्यों वाहिगुरु जी वध जांदी है, क्यों वध जांदी है, उहदे वधण दा कारण की है? वधण दा इको कारण है, असीं जिस दे उत्ते आसरा रख के बैठे हां उत्ते आप अंधा है, उत्ते आप उसनूं वेखदा नहीं। एक पंडित गल केवल समझण मात्र, एक पंडित बैठा लोकां दे मस्तक देख रहा सी, आपदियां रेखावां वेख रहा सी, टेवे वेख रहा सी, पढ़ पढ़ के दस रहा सी। उहदा पुत्तर आया ते अपने पिता नूं कहण लगा, पिता जी छेती चलो। पिता जी उहदा घबराया होया मुख वेख के आखदे ने, पुत्तर की होया? कहण लगा जी घर अंदर अग लग गई है। हुण तुसीं इस गल तों अंदाजा लाओ, जिस बंदे नूं अपने घर दे विच लगी कोई अग दा नहीं पता, ओह तुहाडे टेवे देख के की अंदाजा लावेगा? मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी रहमतां दे खजाने, सानू इस अंधेर गर्दी दे विचों, सानू इस धर्म दी लुट खसुट दे विचों मेरे मालक जी ने सुरखरू कीता है, सानू बचाया है। मेरे दातार गुरदेव पातशाह जी आखदे ने कि गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ध्याए। जेड़ा गुरु नानक दा सिख खवंदा है वह केवल ते केवल गुरु नानक दे उत्ते अकीदा रखे, भरोसा रखे, विश्वास रखे, गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, ए गल लै के चले के गुरु तो बगैर कुछ नहीं, गुरु तो बगैर केवल ते केवल हनेरा है। दुनिया दे किते किन्ने उपाय भावें असीं कर लईए, पर मालक वाहिगुरु जी दी खुशी, मेरे वाहिगुरु जी दी कृपा नहीं असीं लै सकदे। तुसीं ब्राह्मणा दे कोल जाओ, पंडित दे कोल जाओ, देखो इन्हां ने किन्ने ढंग तरीके लभे ने, ते बंदे दे अंदर दी सोच जिस थां दे उत्ते बंदे नूं सोचना चाहीदा है उत्थे बंदा बेफिक्र हो जांदा है, ते जिथे बेफिक्र होना चाहीदा है उत्थे बंदा सोचदा है। किड्डी हासोहीणी गल है कि जिथे बंदा बिल्कुल बेफिक्र होना चाहीदा है उत्थे बैठ के सोचदा है, उत्थे बैठ के इहदे ज़हन दे विच ख्याल आउंदे ने कि इह गल हो सकदी है कि नहीं, पर जिथे बैठ के सोचना चाहिए, इसनों अपनी मत नूं हाथ मारना चाहिए कि इदां भी कदी हो सकता है, पर उत्थे कदी नहीं सोचता। तुसी ब्राह्मण दे कोल कदी जाओ, पंडित दे कोल जाओ, वैसे ही जाओ ते जाके उन्हां नूं पुछो जी साडा काम काज नहीं चलता, ते उह तुहानूं पहलां देखणगे, फिर देखण तों बाद अंदाजा लाणगे कि बंदा किवें दा है, किन्नी क पैना रखदा है, फिर उस तों बाद आखणगे जी काम च थोड़ी जी अड़चन पै रही है, फिर बंदा तरले मारदा है जी नहीं, कुछ ते हाल कुछ ते उपाय, वह कहिंदे जी नहीं कल नूं आयो। जदों बंदा एक दो गेड़े मारदा है फिर बंदा आखदा जी नहीं हाँ हुण उपाय क्या है, वह कहिंदा जी उपाय दसो, फिर थोड़ी भेटा भी देनी पैंदी है, फिर उत्थे कुछ दान पुन भी करना पैंदा है, फिर थोड़ा जा दान पुन करके भेटा दे के इस मन नूं तसली आ जाती है, मन नूं यकीन आ जाता है कि नहीं हुण जो कर रहे हाँ बिल्कुल ठीक है, हुण काम ठीक हो जाएगा। पर बड़े हैरान करन वाली गल एक है कि जेड़ा काम पहला नहीं सी होया फिर थोड़े पैसे देने तो बाद वो की हो गया। हुण विचारन वाली गल है
कि बंदा तो बेईमान होया कि रब न भी तुहाड़ा काम करन दे लई थोड़ी जी माया की लोड़ पैंदी है, तुहाड़े दिते हुए दान पुण की उन्हूं लोड़ कह नहीं, उन्हूं किसे चीज़ की लोड़ नहीं। मेरे सतगुर गुरदेव पातशाह जी आखते ने भोलियो, जिहड़ा परमात्मा है अकाल पुरख है, चतुराई ना चतुर पुज पाईए भाई, उस मालक वाहिगुरु जी नूं चतुराइयां दे नाल नहीं पाया जा सकता। ते हजूर फरमाउंदे ने किरपा करे ता सतगुर पेटे नदनी मेल मिलावणिया, जदों उस मालक दी किरपा हुंदी है, जदों उस परमात्मा वाहिगुरु जी दी मेहर हुंदी है, गुरु दे घर अंदर जाके गुरु दी बाणी दे नाल प्रीत पाके फिर जाके उस परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाल मिलाप हुंदा है, ओदी मेहर दी नदर हुंदी है। नानक नदरी नदर निहाल, ऐसे मनुखां दे उते उस मालक वाहिगुरु जी दी सदा की मेहर दी नदर बनी रहिंदी है। दूजे पाए पड़े नहीं बूझे, जिन्हां दे अंदर माया दा मोह है ना, ये त्रिविध माया दी गल कीती, तीन तरीके दी माया है, रजगुण तमगुण ते सतगुण। किसे दिन होर विचार करांगे ए रजगुण ते सतगुण ते तमगुण ए केड़ी माया है, कित्थों आई है, गुरमत दे अंदर एदा कोई स्थान है जा नहीं है। मेरे सतगुर गुरदेव पातशाह जी इस चीज दा खंडन करदे ने, मेरे पातशाह जी फरमारे ने दूजे पाए पड़े नहीं बूझे। दूजे पाए बड़े साधारण जे लफ्ज़ां दे विच इक यतन करांगा कि गल समझ लग जावे, क्योंकि हजूर दी बाणी आखदी है आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पेन पेन तो तेती। मेरे कलगीधर महाराज जी आखदे ने कि जिन्नी कि किसे दे अंदर मत हुंदी है ना, उस मत दे मुताबिक ये गला बयान करदा है, ते सतगुरु गुरदेव महाराज जी रहमत करन, मेरी मत थोड़ी राम बड़ी थोड़ी जी है, बड़ी होशी जी मत है भी थोड़ी ते होशी भी है, पर एक यतन करांगे सतगुरु जी किते कृपा करन। मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी फरमा रहे ने कि दूजे पाए पड़े नहीं बूझे, कि एक बंदा मन अंदर आस लेके आउंदा है, वो आस की है, एक आस एक ख्याल है कि गुरु दे घर जावांगे, मथा टेकांगे, बाणी पढ़ांगे, ते सतगुरु जी दे चरणा दा ओ टासरा लेके अरदास बेनती करांगे कि पातशाह साडा ये कार्ज सवर जावे ते असीं तुहाडे चरणा दे विच फिर सजदा करन आवांगे। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਕੀ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤ੍ਰਿਬਧ ਬੰਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤ੍ਰਿਬਧ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਲੂਜੇ, ਇਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਬਧ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ, ਗੁਰਸ਼ਬਦੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣਿਆ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੰਧ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਬਿਧਾ ਲੱਗੈ ਦੈ ਦਿਸ ਤਾਵੇ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਭ ਗ੍ਰਸਿਓ ਦਸੂ ਦਿਸ ਤਾਵਤ, ਆਸਾ ਲੱਗਿਓ ਤਨ ਕੀ, ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ, ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ
शरीर दे सुख लैण दे लई दर बदर भटकदा पिया है। तेनू पता ही नहीं कि परमात्मा अकाल पुरख जी ने तेनू किड्डे कीमती चीज दिती है, किड्डे कीमती शरीर दिता है। सतगुरु जी आखते ने बिख का कीड़ा बिख महराता, बिख ही माहे पचा बनिया, एदा कोई कसूर नहीं। असल दे अंदर भगत कबीर जी कह रहे ने कि यह जिहड़ी मक्खी का सुभाग है, जे उन्हूं चंदन दे रुख दे उत्ते भी बिठा दिता जावे गुरमुख प्यारियो, ते तामी ओ जिहड़ी मक्खी है चंदन दे बूटे दा संग नहीं करेगी। जिथे गंदगी दा ढेर है ना, उस गंदगी दे ढेर दे उत्ते ही आके बैठेगी, क्योंकि ओहदा सुभाग ऐसा है। इसे ढंग दे नाल मेरे गजूर जी आखते ने कबीर, पापी भगत ना भावकी, हर पूजा ना सहाय सुहाए, माखी चंदन पर करे जह बिगंध तह जाए। जिथे गंदगी खिलरी कुंदी कै मक्खी भी उथे चली जाती कै। पातशाह जी परमारे ने के बिख का कीड़ा बिख महराता, बिख ही माहे बचा बनिया, हो करे ते आप जनाए। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਬ ਕਛ ਪਾਵਤ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਝੁਕਣ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿਣ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 20-25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਹੋਂ ਹੋਂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਜਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ ਕਾਲਾ ਕੁਆ ਸਵਾ, ਕਿ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਜੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਐਸੀ ਜਾਗਦੀ ਏ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਭੌਂਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਲ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਕਿਛ ਥਾਂ ਨਾ ਪਾਏ। ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੇਖਣਗੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
कदी अपने आप नूं उन्हां दी थां दे उत्ते रख के देखियो, फिर तुहानूं महसूस होवेगा कि यह काम करना किन्ना जायज है। खैर मेरे सतगुरु जी रहमत करन, पातशाह जी आखदे ने कि बहु कर्म करे तो भाई तू बड़े कर्म करदा के, पर किच थाए ना पाए। ए ते एदा है जिवें कोई शराबी व्यक्ति बेड़ी दे उत्ते सवार हुए ने, बेड़ी दे चप्पू मारे गए ने, पर शराब दी हालत दे अंदर ओ चप्पू मारदे मारदे सौं गए ने, पर जदों सुबह कुंदी ए उठ के वेखदे ने जिथे खड़े सी उत्थे ही खड़े ने। ते उन्हां तिन्हां दे विचों एक साथी ने पुछया कि असीं अपनी मंजिल दे उत्ते क्यों नहीं लगे, ते जदों ध्यान नाल देखिया कि जिस पत्तण दी बेड़ी दे नाल ओ बेड़ा बज्जा होया सी रस्से दे नाल, ओ रस्सा खोलना की ओ भुल गए। ते मेरे हजूर गुरदेव पातशाह जी ने आख्या कि हे अकाल पुरख जी, जिहड़े हुमे दे विच आके कर्म करदे ने, उन्हां दा हुमे दे विच कीता होया कर्म तेरे घर अंदर परवान नहीं पैंदा। तुझ ते बाहर किछू ना कुवै, बख्शे शब्द सुखावणिया, पर किते उन्हां मनुखां नूं तू समझ दे दे, किते उन्हां दे उत्ते किरपा कर दे, ते मेरे मालक जी तेरी बख्शिश नूं लै के उन्हां दा भी जीवन दा उधार हो जांदा है। उपजै वाहिगुरु जी उपजै पचै हर बूझे ना की, अन दिन दूजे पाए फिरा की। साहिब जी ने आखे इस दुनिया दे अंदर शब्द वरते है उपजे, ते हजूर गुरदेव पातशाह जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी आखदे ने जो उपजियो सो बिमस है, परो आज कै काल, चेता रखी बंदिया जेड़ा अज पैदा होया है उसनु मौत जरूर आवेगी। इतिहास दे अंदर किसे भी किताब दा तुसी वरका खोल के वेख लो, तुहानू किते ऐसा शख्स नहीं मिलेगा, ऐसी तारीख नहीं मिलेगी कि दिन ते चढ़िया होवे पर रात ना आई होवे। सतगुरु गुरदेव पातशाह जी कह रहे ने जो उपजियो जो पैदा होया है उन्हें एक दिन खीण हो जाना है, उन्हें एक दिन नाश हो जाना है, पर यो आज के काल कहंदे ने आज नहीं ते कल उन्हें मुक जाना है। उपजे पचे खरबूजे ना की, पर सवाल ओथे दा ओथे ही खड़ा है कि एदियां अखां दे सामने किन्ने लोग आए किन्ने लोग चले गए, पर इन्हों अजे तक समझ ना लगी। दातार गुरदेव पातशाह जी फरमा रहे ने कि दूजे पाए दूजे अंतिम दूजे पाए फिरा की, दिन रात दूजे पाव दुनिया दी टेक आसरा लेके एक घूमदा है, मनमुख जन्म गया है बिरथा, अंत गया पछता बनिया। सजूर दी बाणी फरमाउंदी है रहण विहाणी पछोताणी उठ चली गई निराश। बाबा फरीद जी आखदे ने जे सो वरियां जीवना पी तन को सीखे, ओ भोलिया जे सौ वरियां कोर भी जी लवे ते तामी इस तन ने खे हो जाना कै। पीर परदेस सिगार बनाए के परमात्मा दूर कै पाव, एदी करनी दे विचो परमात्मा दी कदी झलक नहीं पई, पर माथे तिलक हाथ माला बाणा लोगन राम खिलौना जान। मथे दे उते तिलक भी लगा के हाथ दे विच माला भी गए ते बाणा भी तू गुरमुखा वाला पाया है, पर सच जानी तेरे किरदार दे विचो उस निरंकार दी मेरे गुरु पातशाह जी दी झलक नहीं आ रही। साहब जी आखदे ने तू श्रृंगार ते कीता है, पर सच जानी तेरा पिर तेरा प्रभु परमात्मा तेरे कोल नहीं। मनमुख अंध ऐसे कर्म कमा के हालत न शोभा पलत न ढोई बिरथा जन्म गवा बनिया। ऐसे मनुख ना लोक दे विच ना परलोक दे विच ढोई नहीं प्राप्त करदे, ओ इस संसार दे विचो जीवन दी बाजी हार के जद चले जांदे ने। मनमुख साहब जी आखदे ने गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो, जेडे मनमुख ने मूल गवा के चले जांदे ने। फरका नाम किन विरले जाता पूरे गुर के शब्द पिछाता, कोई विरला है जेड़ा हरि दे नाम नू पहचान करदा है जां हरि दे नाम दे अंदर जुड़ जांदा है। अंदिन भगत करें दिन राती सहजे ही सुख पावणिया, ऐसे मनुख जेड़े ने ओ अंतरगत अंदर दी अवस्था दे नाल जां आत्मिक आनंद लैके भगती करदे ने ते सुख मानदे ने। सब मैं वरते एको सोई गुरमुख विरला
ਬੁੱਝੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋਹੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸ ਜਾਣ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਡਣ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੇ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੀਏ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸਚਤੀ। ਕਰੀਏ ਗੌਰ ਵਿਚਾਰ, ਕਰੀਏ।